नमस्कार, मेरा नाम है विनीता और आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज का हमारा विषय है शुद्ध सात्विक भोजन बनाना। दो चम्मच तेल अच्छे से गरम होने दें और तभी सरसों डालें, नहीं तो सरसों फूल के नहीं आएगी। ये देखो हमने सरसों डाली है थोड़ी सी और एकदम बढ़िया फूल के आ रही है। और हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, दोनों फूल चुके हैं बढ़िया तरीके से। हम डालेंगे हरी मिर्च, अब हम इसको थोड़ा सा चला देते हैं। हरी मिर्च डालने से नमकीन में फ्रेश फ्लेवर आएगा और हमें लाल मिर्च डालने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। ये दोनों फ्रेश इंग्रेडिएंट है हमारे में, इनको हम अच्छे से भून लेते हैं क्योंकि नमकीन में थोड़े पके होने चाहिए, लेकिन नमकीन खराब हो सकती है। अच्छे से इसको भूनने देंगे। अब जैसा कि मैं देख रही हूँ मिर्च भूनने लगी है, तो अब इसके अंदर मैं मूंगफली डाल देती हूँ। सारी ये मूंगफली डालेंगे, दो चम्मच मूंगफली। सब चीजों की मात्रा हमें हिसाब से रखनी है नमकीन मिक्सर में। हमारे पास तीन चीजें हैं, नारियल, मखाने और किशमिश। अब मैं ये तीनों डालूंगी। तीनों डाल दिए हैं और मिक्सर को मिक्स करें। मूंगफली हम पहले डालते हैं क्योंकि मूंगफली को थोड़ा सा ज्यादा भूनने की जरूरत होती है। अब मैंने आंच भी धीमी कर दी है। अब हमारे मेवे भुन रहे हैं, तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक मेवे के जितना और हल्दी, हल्दी हम पूरे पोहे के लिए डालेंगे। और अब थोड़ा चला के चाहेंगे कि हमारी हल्दी पक जाए थोड़ा सा। ये है पतला पोहा जिससे नॉर्मली हम घर में चिवड़ा या पोहा बनाते हैं, उसी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम नमकीन में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हम पोहा डाल देंगे, करीब 250 ग्राम पोहा है वो मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से और धीमी आंच पे भुनने देंगे इसको। देखिए मंदी आंच पे इसे चलाते रहना है, कितना सुंदर कलर आया है इसका, क्रिस्पी हो जाएगा सब कुछ। तो इसे चलाते रहना है करीब 5 से 10 मिनट, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब हमारी नमकीन अच्छे से भुन चुकी है, इसके अंदर गैस बंद कर दीजिए।
2 मिनट मैंने इंतज़ार किया और इसके बाद मैं 1/4 चम्मच बूरा डाल रही हूँ। एक चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच नमक। नमक वगैरह आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं और सारे मिक्सर को चला लें। ये हमारी नमकीन तैयार हो गई है। बनाते वक्त थोड़ा सा धसका उठेगा क्योंकि हमने मिर्च डाली थी, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमने लाल मिर्च नहीं डाली है, हरी मिर्च का एकदम बढ़िया नेचुरल फ्लेवर आएगा, जिसको अब आप डब्बे वगैरह में भर के रख सकते हैं। से अगली वीडियो में मिलती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो ना करना भूलें। विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर स्टोरीज।